ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कम्प्लीटली इसका एयर क्लीनर का पाइप वगैरह कम्प्लीट सेटिंग कर दिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑल भी कम्प्लीटली सर्विस कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली मैंने अच्छे तरीके से सेट किया, और ट्रैक्टर कम से कम एक घंटा चलाने के बाद में ट्रैक्टर मैंने अभी बंद किया है। तो अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पानी डाल के दिखाते हैं कि वास्तव में ये समस्या अपनी सॉल्व हुई या नहीं हुई। ट्रैक्टर चालू करो भाई एक बार। हाँ न्यूट्रल चालू करो आप एक बार। ये देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर कम्प्लीटली स्टार्ट हो गया है और अभी आप इसकी फायरिंग देख सकते हैं। परफेक्ट है, इसमें कोई धुआं हुआ बिल्कुल नहीं है। ये ट्रैक्टर अभी मैंने रेडी करने के बाद ना कम से कम इसको मैंने एक घंटा तक चलाया, उसके बाद मैंने इसका ऑयल चेंज किया है, अभी वहाँ से जगह चेंज कर दी है और अभी आप देख सकते हैं। और अभी ये जो आप देख रहे हैं वो मैं इसके ऊपर पानी डालने वाला हूँ। ये देखिए अभी इसमें कोई समस्या नहीं है, और यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं, और जल्दी से दिखा देता हूँ, इस बार बिल्कुल भी समस्या आपने दोस्तों सॉल्व हो गई है। परफेक्टली ट्रैक्टर रेडी हो गया है, और इसका फायरिंग वगैरह कैसा है दोस्तों तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, या इसकी आवाज़ जो है ना आप सुन सकते हैं। ये देखिए ट्रैक्टर कंप्लीट रेडी हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, मैंने उसका जो ना दूसरा जो हेड था वो भी मैंने कंप्लीट खोल लिया है, और ये गैस किट जो अपना 3 नंबर वाला था वो बिल्कुल लीकेज नहीं था, और जो आप ये देख रहे हो 2nd नंबर जो कि यहाँ से पूरा लीकेज था, जो कि आप देख सकते हैं हिसाब से यहाँ पे पूरा लीकेज था, और यहाँ से अपन को हवा, यहाँ से अपन दोनों हेडों के बीच में अपन ने पानी डाला था ना, यहाँ बीच में पानी डाला था इस साइड में इस हिसाब से, तो यहाँ से ही पूरा पानी बाहर फेंक रहा था, और इसमें हवा की वजह से ना पूरा पानी बाहर फेंक रहा था। तो अपना ये समस्या थी वो यही समस्या थी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ से ना, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से पूरा कटा हुआ, और इसका हेड जो है वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ, क्योंकि जहाँ से हवा लीक होती है ना वहाँ पे हेड के ऐसे कैसे निशान पड़े हुए हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इस साइड से ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लगा के यहाँ तक ना पूरा इतना जो हिस्सा था वहाँ से गैसकेट पूरा लीकेज था, जो कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है, पूरा हेड जो है ना आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसी साइड की वजह से ना एक यहाँ पे भी थोड़ा नॉर्मल लिखता, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा नॉर्मल लिखता, और यहाँ पर खास करके ज़्यादा से लिखता, तो इसी वजह से दोस्तों अपनी ये आ रही थी। लेकिन इसमें सोचने वाला दोस्तों ये पॉइंट है कि कितना गैसकेट लीकेज होने के बावजूद भी ना तो इसकी कोई फायरिंग चेंज थी और ना लोड में कोई समस्या थी। ये तो मैंने, ये मेरे पास आया ना रिपेयरिंग करवाने के लिए, तब मैंने बाद में यूँ अनजान से मैंने पानी ऊपर डाल दिया, तो इसकी वजह से ये समस्या आ गई। तो अभी इसको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से अपन सफाई कर लेते हैं, सफाई करने के बाद में ना उसको कम्प्लीटली फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है।